नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। छठे चरण का खत्म हुआ शिक्षक नियोजन, अब सातवें चरण में होगी लगभग 50,000 पदों पर नियुक्ति। बिहार के 12 जिलों में नए डीएम की हुई पोस्टिंग, वहीं 35 आईएएस और 8 आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला। बिहार में अब कोई बच्चा नहीं रहेगा कुपोषित। बिहार की 90% से अधिक विश्वविद्यालय और कॉलेज के पास नहीं है नैक की मान्यता। बिहार में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या ने मारी हाफ सेंचुरी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। छठे चरण का खत्म हुआ शिक्षक नियोजन, अब सातवें चरण में होगी लगभग 50,000 पदों पर नियुक्ति। बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में छठे चरण के शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया खत्म हो गई है। आधे से अधिक पद हालांकि अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में नियोजन इकाई ने एक बार फिर से काउंसलिंग नहीं की है। अलग अलग कारणों से योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने लंबे समय से चल रहे इस चरण को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। यानी कि शिक्षा विभाग ने छठे चरण के प्रारंभिक नियोजन की समाप्ति का निर्णय लेते हुए इस चरण की बची हुई और इस दौरान बनी नई रिक्तियों के आधार पर सातवें चरण की बहाली की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी की माने तो फिलहाल 51,000 शिक्षकों के पद खाली रह गए हैं, लेकिन इसी बीच अब सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बिहार के 12 जिलों में नए डीएम की हुई पोस्टिंग, वहीं 35 आईएएस और 8 आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला। बिहार में शनिवार की देर शाम आईएएस आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ। इसी बीच 12 जिलों में नए डीएम की स्थापना हुई। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। उसमें भोजपुर, जहानाबाद, शेखपुरा, अररिया, बेगूसराय, मधुबनी, किशनगंज, वैशाली, नवादा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, बांका और शिवहर इसमें शामिल है। मधुबनी के डीएम अमित कुमार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का निदेशक बनाया गया है। वहीं अरवल, लखीसराय, नवादा, बांका और मधुबनी के एसपी समेत 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इसके साथ ही अन्य अधिकारियों की भी बीते दिन पोस्टिंग का काम किया गया, जिसके बाद बिहार में बीते दिन बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। बिहार के सभी पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए बनेगी कमेटी। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए सरकार कई स्तरों पर कोशिश कर रही है। इसके लिए पर्यटन और अन्य विभागों के स्तर से तो काम किया जा ही रहा है, स्थानीय स्तर पर भी इसके लिए एक प्रभावी समूह बनाया जाएगा। राज्य के सभी महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए 20 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी पर्यटन केंद्रों को अतिक्रमण से बचाने के लिए पर्यटकों की सुरक्षा तक का ख्याल रखेगी। पर्यटन विभाग के मंत्री नारायण प्रसाद के निर्देश के बाद इस दिशा में तैयारी शुरू हो गई है। विभागीय मंत्री के निर्देश के बाद इस दिशा में योजना बनाई जा रही है। इस कमेटी के एडीएम या एसडीओ स्तर के अधिकारी होंगे। इसके अलावा इसमें स्थानीय विधायक, पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। अब सड़कों पर नहीं चला पाएंगे लहरिया कट बाइक। बिहार के रोड पर लहरिया कट बाइक चलाने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि परिवहन विभाग ने लहरिया कट बाइक चलाने वालों की धरपकड़ के लिए विशेष मोबाइल टीम का गठन करने का ऐलान कर दिया है। विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है और जल्द यह टीम पटना सहित पूरे राज्य में काम करने लगेगी। अधिकारियों के अनुसार हाल ही की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि राज्य में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में एक कारण लहरिया कट बाइक चलाना भी है। इसकी जद में आकर कई लोग अपना संतुलन खो देते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे चालकों पर जुर्माना लगाने और पकड़ने के लिए जिलों में स्पेशल मोबाइल टीम गठित की जाएगी। पूर्वी बिहार की तुलना में पश्चिमी बिहार के जल स्तर में दिखता है उतार चढ़ाव। पूर्वी बिहार की तुलना में पश्चिम बिहार के जल स्तर में काफी उतार चढ़ाव आए दिन देखने को मिलता है। बिहार में विशेषकर पटना में भूगर्भीय जल स्तर मानसून पूर्व 824 समिति रहता है, जबकि मानसून के बाद घटकर 513 मीटर हो जाता है, जिसकी पुष्टि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बिहार के निदेशक अखौरी विश्वप्रिय ने की है। शनिवार को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के भौगोलिक अध्ययन केंद्र में आयोजित व्याख्यान में मुख्य वक्ता के रूप में वो बोल रहे थे। उनका विषय था ग्राउंड वाटर सीनरी ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट। इसमें ही उन्होंने भारत और बिहार के विभिन्न भूगर्भिक संरचना के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार में भूगर्भ जल प्रचुर मात्रा में जल स्रोतों का के रूप में ना देख करके एक सीमित संसाधन के रूप में देखने की बात कही गई है। बिहार में अब कोई बच्चा नहीं रहेगा कुपोषित। बिहार में कुपोषित बच्चों की संख्या आपको भी आए दिन देखने को मिल जाती होगी, लेकिन अब खुशखबरी यह है कि आपको कोई भी कुपोषित बच्चा कम से कम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार में 4.70 लाख अति कुपोषित बच्चों की विशेष देखभाल की जाएगी। सामान्य बच्चों के बीच से कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उनके पोषण स्तर में सुधार के लिए ही स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी। राज्य सरकार स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर बच्चों को लेकर विशेष पहल शुरू करने जा रहा है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार संचालित समेकित बाल विकास निदेशालय के माध्यम से कुपोषित बच्चों की देखभाल को लेकर नई रणनीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्य की 1.14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े बच्चों में से कुपोषित बच्चों को चयनित किया जाएगा और उन्हें 2 श्रेणी में बांटकर उनकी देखभाल की जाएगी। अति कुपोषित बच्चों को चिकित्सीय देखरेख की आवश्यकता होने पर उन्हें चिकित्सीय परामर्श के लिए अनुशंसा करेगी।
बिहार में अगले दो दिन सामान्य रहेगा मौसम। बिहार में मौसम एक दो दिनों तक सामान्य रहने वाला है। कुछ जिलों में पारे में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन भीषण गर्मी की कोई स्थिति देखने को नहीं मिलने वाली है। दक्षिण बिहार में कहीं कहीं पूर्वा हवा के द्वारा लाई जा रही नमी की वजह से तापमान बढ़ने से पसीने वाली गर्मी की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि लू की स्थिति बनने के आसार नहीं है। राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान सामान्य से 1 डिग्री ऊपर है हो सकता है, और जबकि पटना में पारा सामान्य के आसपास रहेगा। उत्तर बिहार में आंशिक बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी, और पिछले 24 घंटे की ही बात करें तो कुछ जिलों में पारे में आंशिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं दक्षिण पश्चिम भाग में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर में सबसे अधिक 3.2 डिग्री पारा ऊपर चढ़ा। यहां पिछले कुछ दिनों में लगातार बादल छाए रहे हैं, यानी कि बारिश के बाद अब लोगों को एक बार फिर से गर्मी की मार झेलनी पड़ सकती है। फूलों के रखरखाव के लिए बनेगा अलग से डिवीजन। पुलों के रखरखाव के लिए बनेगा अलग से डिवीजन। बिहार में बीते कई दिनों से पुल पुलियों की चोरी और देखरेख के अभाव से उनके टूटने और गिरने की खबरें लगातार सामने आती रही है, जिसके बाद से ही सरकार के काम पर लगातार सवाल उठाए जाते रहे। वहीं विपक्ष भी सरकार को निशाने पर लेकर बैठा है। ऐसे में अब राज्य सरकार ने पुलों के रखरखाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत ही एक अलग से डिवीजन तैयार करने पर सहमति बनी है। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बनेगा। पिछले साल ही बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया था कि पुल पुलियों की भी नियमित जांच होगी। रेलवे की तरह पुलों के लिए भी अलग से सेविंग्स बनाया जाएगा, जिस पर अब जाकर के अंतिम सहमति बनी है। उम्मीद है कि आने वाले समय में पुल पुलियों की हो रही क्षति देखने को नहीं मिलेगी। बिहार के 90,000 सरकारी शिक्षकों की नौकरी खतरे में। बिहार में जिन नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच के लिए शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं, उनकी सूची अब निगरानी विभाग को सौंपी गई है। इनकी पूरी संख्या 90,000 के आसपास बताई जा रही है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने शनिवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आदेश दे दिया है। सूचित जिले में निगरानी के नामित ऑफिसरों को दी जाएगी, ताकि जांच करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। ये जांच पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में चल रही है। शिक्षा विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार साल 2006 से 2015 तक बहाल हुए 3,12,180 शिक्षकों की जांच विजिलेंस टीम कर रही है। इसमें 89,874 शिक्षकों के सर्टिफिकेट फोल्डर नियोजन इकाई से जांच के लिए विजिलेंस टीम को नहीं मिले हैं। बिहार के 90% से अधिक विश्वविद्यालय और कॉलेज के पास नहीं है नैक की मान्यता। बिहार के 90% से ज्यादा विश्वविद्यालय और कॉलेज के पास नैक की मान्यता नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ की मान्यता समाप्त हो चुकी है, तो वहीं फिर से मान्यता के लिए प्रयास में कुछ लगे हुए हैं। कोविड-19 की वजह से नैक की तरफ से काफी काम भी धीमा चल रहा है। राज्य में छोटे बड़े मिलाकर 874 के आसपास कॉलेज और कई 18 स्टेट यूनिवर्सिटी और इनमें सिर्फ 53 कॉलेज और सिर्फ पटना विश्वविद्यालय को ही नैक की मान्यता मिली है। पहले 131 कॉलेज नैक की सूची में थे, लेकिन करीब 78 कॉलेज की मान्यता पिछले कुछ सालों में समाप्त हो चुकी है। वहीं 53 मान्यता प्राप्त कॉलेज में से 30 कॉलेज की मान्यता इस साल के अंत तक समाप्त होने की उम्मीद है। फिर सिर्फ 23 कॉलेज के पास ही मान्यता बची रहेगी। शहरी स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं को किया जा रहा है सुदृढ़। बिहार के शहरी स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान करने की दिशा में विभाग पूरी तरीके से प्रयत्नशील है। उसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अर्बन हेल्थ मिशन के तहत शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धता और आसान पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। विभाग के निरंतर प्रयास का नतीजा है कि साल 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में ओपीडी में बढ़ोतरी हुई है। मंगल पांडे की तरफ से बीते दिन साझा की गई जानकारी के अनुसार साल 2020-21 में पूरे राज्य के सभी शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में 6,17,754 लोगों ने निःशुल्क ओपीडी सेवा का लाभ उठाया। इसे और ज्यादा विस्तार करने की योजना के साथ बिहार सरकार काम कर रही है। बिहार में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या ने मारी हाफ सेंचुरी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 10 कोविड-19 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या हाफ सेंचुरी मार चुकी है, यानी कि कुल मिलाकर 51 एक्टिव मरीज अब बिहार में हो गए हैं। इसके साथ ही अगर प्रभावित जिलों की बात करें तो भागलपुर में 2, जमुई में 1, किशनगंज में 2, पटना में 5 मामले की पुष्टि हुई। इसके अलावा किसी भी अन्य जिले में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,04,845 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 4 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ पहुंचे बंगाल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जब से शादी हुई है तब से उनकी पत्नी और वो दोनों मीडिया में बने रहते हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी की तस्वीर बंगाल से वायरल हो रही है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों बंगाल दौरे पर है, जहां पर उनकी पत्नी भी उनके साथ में है। दोनों फिलहाल कोलकाता में खूब घूम रहे हैं। उन्होंने खुद इसकी तस्वीर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। आमतौर पर तेजस्वी अपने सोशल मीडिया हैंडल से निजी तस्वीरों को कम शेयर करते हैं। उनके ट्विटर हैंडल से ज्यादातर राजनीतिक गतिविधियों पर ही बात होती है, लेकिन इस बार तेजस्वी ने अपनी के साथ फोटो शेयर की है, जिसके बाद से ही मीडिया की सुर्खियों में उनकी यह तस्वीर बनी हुई है। के लिए पहली किस्त जमा करने की बढ़ी तारीख।
कोविड 19 के 2 साल के ब्रेक के बाद अब एक बार फिर से हज यात्रा की शुरुआत इस बार होने वाली है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी अद्यतन अधिसूचना के अनुसार हज 2022 के लिए हज की पहली किस्त जमा करने की तारीख 6 मई से बढ़ाकर अब 10 मई कर दी गई है। इसके अनुसार अब मई 2022 तक हज की पहली किस्त प्रति हज यात्री 81,000 हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर या फिर पे इन स्लिप की तरफ से भारतीय स्टेट बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कोर बैंकिंग शाखा में अंतिम तारीख तक जमा करनी होगी। बिहार राज्य हज समिति से मिली जानकारी के अनुसार पे इन स्लिप हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड कर बैंक रेफरेंस नंबर और अन्य विवरण भेजकर जमा कर सकते हैं। विराट कोहली के खराब फॉर्म पर शोएब अख्तर का आया रिएक्शन। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली लीग के 15वें सीजन में अपने खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पूर्व कप्तान कोहली ने आईपीएल 2022 में 11 मैचों में अब तक 111.9 की स्ट्राइक रेट से केवल 216 रन ही बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतकीय शामिल है। इसके अलावा वो इस सीजन में अब तक 2 बार गोल्डन डक का शिकार हो चुके हैं। विराट हाल के समय में खराब फॉर्म से क्यों जूझ रहे हैं, इस पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का रिएक्शन आया है। अख्तर को लगता है कि कोहली अपने ऊपर दबाव काफी ज्यादा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोहली को दबाव ना लेकर अपने गेम को एंजॉय करना चाहिए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है निकिता कुमारी, प्रिया यादव, रंजीत मिश्रा, धर्मेश पटेल, विमल कुमार, भविष्य कुमार, मिथुन कुमार पंडित, अमन कुमार, ज्ञानवी कुमारी, सुगीबल कराकट। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने में सफल हो पाई है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।